हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन ऑफिसर की बैठक एवं प्रेस वार्ता हमीरपुर में आयोजित की गई। इस दौरान ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधान डॉक्टर जीवानंद चौहान, उप प्रधान डॉक्टर राजेश राणा एवं महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एमडी किसी योग्य व्यक्ति को बनाया जाए। उन्होंने मांग की है कि सरकार जेनेरिक दवाइयों की परिभाषा स्पष्ट करे तथा वह साल्ट के नाम से दवाइयां लिखने का दबाव डॉक्टरों पर अनावश्यक है। जेनेरिक दवाइयां कहीं भी उपलब्ध नहीं है, इसके लिए पहले पॉलिसी बनाई जाए, सरकारी अस्पतालों में 330 जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाए। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ ने स्वास्थ्य के मामले में प्रदेश का स्तर गिरने पर चिंता व्यक्त की। गलत नीतियों के कारण 25 रुपए की दवाइयां 114 रुपए में बेची जा रही हैं। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की मांग है कि दवाइयों के मूल्य कंट्रोल हो, दवाइयों की गुणवत्ता बनाने का प्रयास हो। उन्होंने कहा कि सरकार दवाई कंपनियां, केमिस्ट व संघ की सामूहिक बैठक बुलाए। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट सरकार से मूल्य एवं क्वालिटी कंट्रोल करने की अपील की है। लिए हमने सरकार से मांग करी थी कि पहले ये तो डिफाइन किया जाए कि जेनेरिक होती क्या है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने आपको बताया कि जेनेरिक दवाई वो दवाई है जिसपे सिर्फ सॉल्ट नेम लिखा होगा, उसका जिस दवाई पे सॉल्ट नेम ही लिखा होगा उसका मूल्य ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल्ड रेट में आता है, लेकिन बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो सॉल्ट नेम से नहीं बिक रही हैं, वो उपलब्ध नहीं है। और हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर एसोसिएशन जो है वो जेनेरिक दवाइयां लिखने से कहीं मना नहीं कर रही है, वो पूरी तरह से तैयार है। ये एक अच्छी मंशा है कि लोगों को जो सस्ती और मुफ्त दवाई मिले, लेकिन वो सबसे जरूरी ये है कि वो उपलब्ध तो हो स्वास्थ्य संस्थानों में। आप जगह जगह बार बार लिख रहे हैं 330 दवाइयां उपलब्ध हैं, पहले वो उपलब्ध तो हो। डॉक्टर दवाई देख के इलाज थोड़े लेना लिखेगा, डॉक्टर बीमारी देख के इलाज लिखेगा। तो ये डॉक्टर क्यों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि वो जेनेरिक दवाई लिखे, डॉक्टर बीमारी की दवाई लिखे, और ये जिम्मेवारी सरकार की है कि वो दवाई मुफ्त उपलब्ध हो उन डिस्पेंसरियों में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टरों को बदनाम ना किया जाए, सरकार मुफ्त दवाई, अच्छी गुणवत्ता की दवाई जो है वो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध कराए।